नमस्कार, आप देख रहे हैं गोलमाल न्यूज। कोरोना महामारी के दौरान पंजाब सरकार ने शिक्षण संस्थानों और कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया है, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा। बच्चों की पढ़ाई खराब न हो, इसको देखते हुए एमपी सिंह केमिस्ट्री कोचिंग सेंटर ने नया उपराला शुरू किया, जिसमें बच्चों को बस में क्लासेस दी जाएंगी। इस संबंधी विद्यार्थियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस में उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते थे, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह जिहड़ा कि प्रेजिडेंट आ कोचिंग फैडरेशन जलंधर तो। पिछले भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, सरकार ने एक ताड़ना की थी, सरकार कोई सिस्टम बनावे साडे कोचिंग सेंटर विद्यक अदारियां नूं खोलिया जावे। आ मैनू की है, मैनू अपने बच्चों को अज बस लैके आना पै गया, क्योंकि सरकार की गाइडलाइनस है बस 50% लोग बह सकते। तुम ये बस के सीटा नंबर पढ़ सकते हो, 52 सीटा दी बस है, 52 चो 26 अलाउड है, मतलब मेरे को 10 बच्चे बैठे ने घर के। मैं जो 10 बच्चे बुला ला तो मेरे तक कोई गुआढ़ी शिकायत कर दे, कोई भी कर दे तो मेरे तक FIR दर्ज कर देगी सरकार, पर बस तो मेरे तक सरकार बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि बस 50% अलाउड ने। सो मेरे बच्चे जिहड़े कि कल मैं कह रहे सर नेरी बहुत चल रही थी, जिसके करके साडा इंटरनेट कनैक्शन टुट गया, 2 दिन हो गए मैं इंटरनेट कनैक्शन सही नहीं होया मेरा, तो उन्होंने डाउट से। तो मैं पुत्र एक काम कर, घर तो मैं तेन बुला नहीं सकता, तू एक काम कर बस में ही आ जा। तो मैं यह उपराला बहुत वधिया लग्या, तो बड़े इंप्रैस होए ने लोग। मैं यही चाहवागा कि नाल 5-6 बसा होर ला के मैं कमिस्ट्री पढ़ा वा, फिजिक्स वाले सर, बायो वाली मैडम, मैथ्स वाले, हिंदी पंजाबी वाले सारे बुला के बसा के क्लासा लवा दी जा। मैं लगता है स्कूल कॉलेजों वाले भी आइडिया वधिया लगना, उन्होंने कोल भी 100-100 बसा की फ्लीट हैगी है, हूँ अपने स्कूलों के बाहर खड़े करके वो भी बसा के बच्चों बुला के घट्टो घट जी बोर्ड द्लासा है 9वीं 10वीं वही क्लास है वो डाउट्स ले जा सकते। छोटा जहा बच्चा जो मोबाइल अगे बहुत ना बेचारा अपनी अखा लाता है, वो अखा का नंबर भी वे है कि नहीं, मोबाइल की एडिक्शन उन्होंने हो रही है। तुसी कहते पढ़ो आर्टिकल, मोबाइल डोपामाइन जनरेट कर देता ब्रेन दे विच, एडिक्शन करा देता मोबाइल। चाइना दे विच छोटे छोटे बच्चों मोबाइल छुड़ाने के सेंटर खोले गए। ये बड़ी जल्दी मैं तुहानूं दावे नाल कह दिंदा कैप्टन साहब, तुहानूं भी पंजाब च खोलने पै जाने जे तुसी स्कूल कॉलेज ना खोले। तो सर कितनियां बसां दे विच जिहड़े तुसी बच्चे पढ़ाओगे? मैं 10 बच्चे बुलाए जी, 52 सीटां ने, तुसी पढ़ सकदे हो, उत्थे लिखिया वा 52 चो 26 अलाउड ने लीगली है कि नहीं। तो 10 बच्चे ने बैठे, गिन सकते हो 10 बच्चे बैठे, 10 में मैं डाउट लेने, 10 अज बुलाए ने, 10 कल बुला लाँगा। सर कितनियां बसों के विच पढ़ाउंदे कई बच्चे? मैं इको बस ही अज यही बस शुरू किया, उपराला किया जी, बाकी शहर के टीचर भी मैं उम्मीद है वो भी इस चीज़ को देख के वो भी कल तो अपने डाउट्स बसा च लैन लग पे। मैं धन्यवाद करांगा बसा वालों का भी, चेहरे जिन्हें कहते कोई नहीं सर बच्चे की पढ़ाई नहीं खराब होनी चाहिए, तुम साड़ी बसा से पढ़ाओ उन्होंने। सर ऑफलाइन ते रेगुलर क्लास दे विच की फर्क है? देखो जी ऑफलाइन आ बच्चे हुण मेरे को ऑफलाइन आए हुए किस्म दे ना, फिजिकल क्लासिंग कह दिंदे आ, हुण इन्हां नूं जिहड़ा डाउट है ऑनलाइन कनैक्शन करके कई बार नहीं क्लीयर होया। आ लड़का करन बैठा 2 दिन, इहदे घर इंटरनैट की प्रॉब्लम सीगी, क्योंकि इंटरनैट कनैक्शन नहीं लग पाया, वो 2 दिन की पढ़ाई कित्थों कवर करेगा जी, है कि नहीं। जो ऑफलाइन है ऑफलाइन ही है। सर तुम्हें बसा का रेंट भी पै रहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, यह मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है जी, तो कहते हैं अभी जो कहो आप बस खोल के दे देंगे, तुम आके पढ़ा लिया करो जी। हाँ जी, घर ने परमिशन लैके आए बच्चे, कंसेंट मिलता जी उन्होंने पूरा, सब तो कंसेंट कोचिंग सेंटर भी मिले सी, इतने तो उदा ही कह के ले लो जी कंसेंट, ले लो जी। मैं चंगा काम ही करता, कोई माड़ा तो करता नहीं पाया जी, ले लो, मैंने कोई फर्क नहीं पैना, मेरे बच्चे खुश रहने चाहिए बस। ठीक है, ਕਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪਲੱਸ 2 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਬਸ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਨਲਾਈਨ 'ਚ, ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੈਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੇਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਰਨ, ਉਹਦੀ 2 ਦਿਨ ਨੈਟਵਰਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇੱਡੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੀ ਆਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਈਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਫਲਾਈਨ ਵਧੀਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਊਟਸ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਆ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ? ਠੀਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ? ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਕੰਸਟੀ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ, ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਕੰਸਟੀ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ, किस तरह लग रहा ढे टीचर ने जो उपराला शुरू किया वा बसा के क्लास लाने का? सर सब तो वाली आइडिया लगे है कि बसा में पढ़ा रहा, क्योंकि इन्हें कोई इदा सानू इदा कुछ हो नहीं सकते, क्योंकि इतने 50% अलाउड है, तो आप ऐसे सवारी बह के इतने पढ़ रहे हैं, तो इस करके नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बाकी भी जो सवारियां है उन्होंने भी जाना ही होंगे। तो बाकी जिदा साड़ी हम जिदा सर ने दसाया है कि मेरा 2 दिन कनैक्शन नहीं सही थी, तो मेरे 2 दिन की तो पढ़ाई रह गई, उन्होंने तो कुछ हो नहीं सकता, तो सर ऑफलाइन लिया के सो इन्ना काम स्पीड ना भी होंगे ऑफलाइन से, ऑनलाइन इन्ना स्लो स्लो काम होंगे है, मतलब ज़्यादा
ज़्यादा पढ़ा नहीं सकते पेरेंट्स लोग आते नहीं हाँ जी हाँ जी और सुबह साढ़ा पिछला साल भी खराब होया है तो हूँ नहीं चाहते हैं कि साढ़ा साल खराब होया वा सरकार की कहना चाहते उन्होंने बस आप यही कहना चाहते कि जल्दी से जल्दी अपना हल करें कि आप सारे ऑफलाइन बह के पढ़ सकी भावें थोड़े थोड़े लिया पढ़ा पर ऑफलाइन हो गए क्लास तो ज़्यादा बैठा